मोदी परिवार हैं, लेकिन ये उसे पूछना चाहिए कि किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा किया, जिस तरह से शंकराचार्यों की कोई भागीदारी नहीं है, जो हमारे यहाँ के संत ऋषि हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं है, क्या यही व्यवस्था हिंदू धर्म में है? मोदी जी बताएं, क्या उनको धर्म इजाजत देता है? हमारी धर्म व्यवस्था इजाजत देती है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करें, शंकराचार्य उसमें प्रवेश नहीं हो? क्या यही धर्म है? तो ये हिंदू धर्म की अपनी जो परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका जो आचरण पालन नहीं करता है, वो कैसे अपने आप को कहता है कि माने हम हिंदू हैं? नए मोदी परिवार हैं, लेकिन ये उनसे पूछना चाहिए कि किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं। हमें कहते हैं कि एक तरफ ये हिंदू हैं, तो इनसे पूछिए कि जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है, हिंदू धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म की मान्यता है, उस मान्यता के कोई भी खिलाफ अगर काम होता है तो क्या यू हिंदू धर्म के अनुरूप माना जाएगा? नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा किया, जिस तरह से शंकराचार्यों की कोई भागीदारी नहीं है, जो हमारे यहाँ के संत ऋषि हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं है, क्या यही व्यवस्था हिंदू धर्म में है? मोदी जी बताएं, क्या धर्म के आधार पर उन्होंने किया है? क्या उनको धर्म इजाजत देता है? हमारी धर्म व्यवस्था इजाजत देती है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करें, शंकराचार्य उसमें प्रवेश नहीं हो? क्या यही धर्म है? तो ये हिंदू धर्म की अपनी जो परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका जो आचरण पालन नहीं करता है, वो कैसे अपने आप को कहता है कि माने हम